Ya, por adelante. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है कि आप सभी बहनें खैर आफियत से होंगी और आपसे इंशाल्लाह आप लोग क्लास है वो हफ्ते में तीन दिन हुआ करेगी, सोमवार, जुमेरात और शनिचर। आप लोगों को मैंने कितनी हदीसें पढ़ा दी थी वो बताएं, आप लोगों को कितनी हदीसें पढ़ा दी गई थी? जी को पता है कि मैंने कितनी हदीसें आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं? जी दो हदीसें हुई थी, एक तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम और दूसरा इन्नमल अमालु बिन्नियात। अच्छा, दो हदीसें हो गई कि दो? जी तीन। आज मैं कुछ और हदीसें आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। तीन हदीसें आप लोगों को पढ़ा दी गई थी, 40 हदीसें आप लोगों के इस कोर्स के अंदर है और ये जो हदीसें आप लोगों को पढ़ा दी जा रही हैं, इसको आप हिंदी में भी लिख सकती हैं और अरबिक आती है तो अरबिक में भी लिख सकती हैं और इन हदीसों को आप चाहो तो सिर्फ उर्दू यानी जो तर्जुमा होता है हदीस का उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। आपने एक हदीस सुनी होगी कि मन ला यरहम ला युरहम, के जो रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। मल्ला यरहम ला युरहम, के जो रहम नहीं करता तो अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। आप चाहें तो इस हदीस को लिख लें, मल्ला यरहम ला युरहम, और इस हदीस का तर्जुमा है कि जो रहम नहीं करता है तो उस पर रहम नहीं किया जाता। बिल्कुल सिंपल सी हदीस है कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर नाजिल हो, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर नाजिल हो, तो फिर हमें दुनिया वालों पर, जमीन वालों पर और अल्लाह ताला की जो मखलूकात हैं उन पर रहम करना होगा। सुना है ना वो एक जो लोग कहते हैं कि तुम जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये जो कहावत कही जाती है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, ये इसी हदीस का तर्जुमा है कि जो रहम नहीं करता है तो उस पर रहम नहीं किया जाता और जो रहम करता है उस पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है। एक बहुत मारूफ हदीस है जो आप लोगों ने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर, और एक बिल्ली थी जिसको एक औरत ने बांध दिया, वो प्यासी भूखी रही, उसको ना खाने को दिया ना पीने को दिया और वो बिल्ली मर गई। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो औरत को जहन्नम में डाला गया। क्यों? क्योंकि उसने एक मासूम बिल्ली को, एक जानवर को बांध दिया और ना उसको पानी पिलाया ना उसको खाना खिलाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में डाला। और एक औरत थी जिसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको जन्नत में डाल दिया। तो जुल्म बड़ी बुरी चीज है, चाहे जिस पर हो, चाहे इंसानों पर हो, चाहे जानवरों पर हो, चाहे परिंदों पर हो, जुल्म जुल्म है। एक हदीस और है वो भी आप नोट कर ले, अज़ुल्मु ज़ुलुमात, अज़ुल्मु ज़ुलुमात,
हदीस तीन पहले पढ़ा दी गई थी, चौथी हो गई मल्ला यरहम ला युरहम, कि जो रहम नहीं करता तो उस पर रहम नहीं किया जाता। और पांचवी हदीस हो गई अज़ुल्मु ज़ुलुमातुन, कि जुल्म जो है वो आखरत में बहुत सारे अंधेरे होंगे, अंधेरों की शक्ल में होगा। जुल्म जो है वो आखरत में बहुत सारे अंधेरों की शक्ल में होगा। आखरत में जो जितने जुल्म करके ले गया होगा इस दुनिया के अंदर से, तो ये दुनिया में किए हुए जो जुल्म है ना, ये आखरत में अंधेरे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, और फिर आदमी आखरत के अंधेरों से पार नहीं पा पाएगा और जहन्नम में जाके गिरेगा। अब जुल्म किसी भी तरह से हो सकता है, जुल्म होता है कमजोर को दबाना, ये जुल्म कहलाता है। किसी भी कमजोर को दबाना, किसी का हक मार लेना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, किसी के पैसों को मार लेना, किसी की जमीन को दबा लेना, है ना, किसी को कोई पड़ोसी है तो उसको तकलीफ पहुंचाना, ये जुल्म है। जुल्म की बहुत सारी शक्लें होती हैं। आपने किसी का हक मार लिया, ये भी जुल्म है। आपने किसी की जमीन को दबा लिया, ये भी जुल्म है। मैं एक साहब के घर गया हुआ था तो मैंने देखा कि पूरा घर एकदम एक सार है, फ्रेश है, लेकिन एक जगह पे जो है ना वो पिलर जैसी जैसी शक्ल बन रही थी, जैसे पिलर होते हैं ना, तो एक जगह मोटी सी निकली हुई थी। तो मैंने पूछा कि जनाब अली, ये जो आपका घर पूरा रूम जो है ना वो एक सार है, लेकिन ये जो बीच में एक मोटा सा उठ रहा है, ये क्या है, कोई पिलर है क्या? तो उन्होंने मुझे बताया पिलर नहीं है, असल में वजह ये है कि पड़ोसी ने तकरीबन 7-8 इंच जो जगह है वो मार ली है। और जब हमने उससे कहा तो वो लड़ने पर आ गया, कहने लगा ये तो मेरी शुरू से ऐसा ही है। तो इस तरह से लोग जमीनें भी मार लेते हैं, एक एक फिट जमीन के पीछे लोग बड़े झगड़ते भी हैं, जुल्म ज्यादतियां होती हैं। एक एक फिट जमीन मारकर लोग ये और कहते हैं कि जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो, जो किया जाए वो कर लो, निकाली जा सके तो निकाल लो। तो इस तरह से जितने भी काम किए जाते हैं ये जुल्म की श्रेणी में आते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर किसी के 500 रुपए थे, आपने वो 500 रुपए नहीं दिए उसके, उसने बहुत मांगा, लेकिन आप ताकतवर थे तो आपने कह दिया कि नहीं साहब लिया जा सके तो ले लो, मैं तो नहीं देने का, या आप टाल रहे हो बिला वजह में। तो किसी भी तरह से किसी के हक को मारना ये जुल्म कहलाता है। बड़ी खतरनाक चीज है, इंसान को बर्बाद कर देता है जुल्म। अगर हम में से और आप में से कोई जुल्म करता है ना, और जुल्म का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आवाजें आप लोगों की आ रही हैं, माइक ऑफ कर लें, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, लेकिन अपने माइक आप बंद कर लें, मेहरबानी करके। अच्छा होता क्या है कि आप लोग माइक ऑन कर देती हो तो आप लोगों के यहाँ जो बातें चल रही होती है वो हमें सुनाई देती है, और जो और स्टूडेंट्स पढ़ रही होती है उनको आवाजें आपकी सुनाई देती है। तो इससे क्या होता है कि माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड तो डिस्टर्ब होता है, जो बातें पर्सनल भी चल रही होती है घरेलू वो भी सारे लोग सुन रहे होते हैं। तो माइक किसी वजह से ऑफ रखा करें। तो मेरी अजीज बहनों, जुल्म जो है ना वो किसी भी तरह का हो अल्लाह को पसंद नहीं है, और जुल्म जो है ना वो आखरत में एक जुल्म बहुत सारी शक्लें इख्तियार कर लेगा। जैसे आदमी ने एक जुल्म किया, किसी की एक फिट जमीन मार ली या किसी का पैसा मार लिया, तो ये जुल्म हुआ। अब ये एक जुल्म आखरत में बहुत सारी तारीकी की शक्लें इख्तियार कर लेगा, और फिर इससे नुकसान क्या होगा कि ये जुल्म जो है ना हमारे लिए अंधेरे बन जाएगा आखरत के मैदान। और आपको पता है कि पुल सिरात एक पुल है, आखरत में हर इंसान को उस पुल से पार होना है, और ये जो पुल सिरात है ये बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा पैना है। इस पुल पे से सबको गुजरना है, जो इस पुल को पार कर लेगा वो आखरत में कामयाब हो जाएगा, और जो इस पुल को पार नहीं कर पाएगा तो वो जहन्नम में गिर जाएगा। और इस पुल को पार कौन कर पाएगा? जो सुन्नत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाला हो। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान के आमाल, इंसान की नेकियां पुल सिरात पर लोगों के लिए नूर बन जाएंगे, यानी उजाला हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा, और इंसान अपने आमाल के नूर में जो है ना वो बहुत स्पीड के साथ पुल को पार कर ले। और जो गुनहगार होगा
खास तौर पर जो जालिम होगा तो जुल्म उसका दुनिया के अंदर जो उसने किया था वो जुल्म आखरत में बहुत सारे अंधेरों की शक्ल बना लेगा, जिससे क्या होगा कि आखरत में उसके लिए उस सिरात का पुल पार करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो जहन्नम में जाए। इसीलिए जो है जुल्म से बचना चाहिए। जुल्म बच्चों के ऊपर भी हो सकता है और बच्चों का जुल्म माँ बाप के ऊपर भी हो सकता है, रिश्तेदारों का जुल्म दूसरे रिश्तेदारों पर भी हो सकता है। इसीलिए जुल्म से बचने की बड़ी जरूरत है। तो हदीस मैंने क्या बयान फरमाई, बयान की मैंने अज़ुल्मु ज़ुलुमातुन, कि जुल्म जो है वो बहुत सारे अंधेरे होंगे आखरत के दिन। ठीक है, आज जब आप लोगों की क्लास का लिंक शेयर किया गया तो कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए जिसमें लिखा हुआ था कि हमारा एग्जाम चल रहा है इसीलिए हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं है, एग्जाम की आप तैयारी कीजिए, लेकिन एक सोचने वाली बात ये आती है कि एग्जाम अगर चलता है तो सबसे पहले हमारी दीनी चीजें ही क्यों छूटती हैं। एग्जाम जब चलता है तो सबसे पहले हमारी दीनी चीजें ही क्यों छूटती हैं, और एग्जाम की जब बात आती है तो 15-15 मिनट 20-20 मिनट के जो दीनी काम है वही हम क्यों छोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे 20-25 मिनट दीनी काम जो हम करेंगे ना उसमें ही हमारी सारी तैयारी हो जाएगी। तो ये एक सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ मकतब चलता है, बच्चों को कुरान पढ़ाने की तालीम होती है, तो बच्चों के जब एग्जाम आ जाते हैं तो 1 घंटे मकतब चलता है मगरिब से लेके इशा तक। उस 1 घंटे में बच्चों को कुरान पढ़ाने की तालीम दी जाती है मगरिब से इशा तक। तो जब बच्चों के एग्जाम आ जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट जो है ना वो बच्चे को मदरसे नहीं भेजते। तो मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ, भाई बच्चा आपका मदरसे क्यों नहीं आया। मुझे बताया जाता है कि एक्चुअली बच्चे के एग्जाम शुरू हो गए, और बच्चे के जब एग्जाम शुरू हो गए तो इसीलिए हम बच्चे को मदरसा नहीं भेज रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या बच्चे की सारी तैयारी उसी 1 घंटे में होगी जिस घंटे में वो मदरसे आ रहा है? क्या वही 1 घंटा इतना कीमती है कि सारी तैयारी वो उसी 1 घंटे में कर लेगा एग्जाम की जिस 1 घंटे में वो मदरसे आता है? यानी बच्चा क्या आपका 2400 घंटे पढ़ता ही रहता है? क्या हम 24 घंटे जब एग्जाम शुरू होते हैं पढ़ते ही रहते हैं? हम अपने आप से ये पूछें, अगर 2400 घंटे हम पढ़ते ही रहते हैं तो कोई बात ही नहीं है भाई, हम पढ़ते ही रहते हैं 2400 घंटे। लेकिन होता इसके अपोजिट है, हम खाने के लिए भी टाइम निकालते हैं, गपशप करने के लिए भी टाइम निकालते हैं, तफरी करने के लिए भी टाइम निकलता है, और पढ़ाई भी कैसे होती है कि चाय पी ली, मोबाइल चला लिया, हर चीज के लिए टाइम निकल रहा है। लेकिन जहां मदरसे की या दीनी काम की बात आती है तो हमें ये लगता है कि उसी 1 घंटे में या उसी आधे घंटे में एग्जाम की सारी तैयारी हो जाएगी जिस 1 घंटे में हमारा बच्चा मदरसे जा रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात। तो अब जब ये क्लास का लिंक शेयर किया गया तो बहुत सारी बहनों के मैसेज आए कि वो हमारे एग्जाम चल रहे, तो मुझे बस यही एक बात याद आई कि एग्जाम चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी आधे घंटे में, जिस आधे घंटे में ये क्लास होगी इसी आधे घंटे में एग्जाम की सारी तैयारी बच्चा कर लेगा और वो शहर में टॉप कर लेगा। शहर में तो दूर की बात है, पूरे जिले में टॉप कर लेगा ऐसा लगता है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है मेरी अजीज बहनों। जितने भी एजुकेशन के काम हैं, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी हो, कोई बहुत ज्यादा टाइम जिसमें नहीं लग रहा है तो हमें दीन के कामों को छोड़ना नहीं चाहिए। समझ रही है बात को? और कभी भी एग्जाम को हमें इतना हावी अपने ऊपर नहीं करना चाहिए कि हम ये सोच लें कि एग्जाम की तैयारी पूरे दिन में हो पाएगी। जब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तब मेरी एग्जाम की तैयारी हो पाएगी, मैं दीनी काम भी छोड़ दूं, बाकी जो मैं पढ़ रहा था वो भी छोड़ दूं, तब मेरे एग्जाम की तैयारी हो पाएगी, तो माइंड फिर वैसा ही बन जाता है। और आप ये सोचो कि भाई एग्जाम की तैयारी के लिए 6-7 घंटे बहुत है, इन कामों को छोड़ने की जरूरत क्या है, तो फिर माइंड उसी तरह से काम करता है। माइंड का जो ताल्लुक है वो हमारी सोच से है, जैसा हम सोचेंगे माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा।
जिस चीज को हम जितना डिफिकल्ट समझेंगे उतनी वो चीज हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, और जिस चीज को जितना हम आसान समझेंगे वो चीज हमारे लिए उतनी आसान होती चली जाएगी। तो दीन के कामों में हमारे चाहे एग्जाम हो चाहे कोई और काम हो, दीन के जो छोटे छोटे काम है, अब मान लीजिए दीन की कोई क्लास है वो 2-3 घंटे चलती है, जैसे हमारी ये क्लास है, ये क्लास अगर 3 घंटे की हो रही है, मिसाल के तौर मिसाल सपोज कीजिए कि ये जो क्लास है ये 3 घंटे की क्लास है, तब तो समझ में आता है कि मुफ्ती साहब आपकी क्लास बहुत लंबी होती है, 3 घंटे की ये क्लास होगी तो इस क्लास में हम सॉरी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूं। अब ये क्लास होनी है 45 मिनट, और एक कमाल की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एक खातून थी वो कुरान पढ़ा करती थी 15 मिनट, बस 15 मिनट वो कुरान की क्लास लेती थी जो हमारे यहाँ पढ़ाने वाले हाफिज साहब हैं उनसे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका मैसेज आया तो बोली कि अब हम 1 महीने तक कुरान की क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम शुरू हो गए। तो मुझे बताया कि मुफ्ती साहब वो एक स्टूडेंट बोल रही है कि एग्जाम उनके शुरू हो गए तो वो कुरान की क्लास अब नहीं ले पाएंगे। तो मैंने कहा कितनी देर पढ़ती थी, बोले 15 मिनट। तो मैंने अब मैं उनसे तो मेरी बात हो नहीं रही थी तो मैंने अपने स्टाफ से ही कहा, मैंने कहा देखो कितनी अजीब बात है कि 15 मिनट कुरान पढ़ती थी तो एग्जाम की तैयारी के लिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि यही 15 मिनट उनके सबसे ज्यादा कीमती है, और इन्हीं 15 मिनट जिसमें वो कुरान पढ़ रही है एग्जाम की तैयारी में सबसे ज्यादा रोड़ा यही 15 मिनट बन रहे हैं, तो सॉरी मैं कुरान की क्लास नहीं लूंगा। तो इस तरह की जो सोच है ये बहुत छोटी सोच है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना तो सोच को बड़ा रखो। अगर 4 काम आप दिन में करते हो एजुकेशन की लाइन से, चाहे वो दुनिया की एजुकेशन हो चाहे दीन की हो, आप माइंड ये बनाओ कि मैं सब कर लूंगी, सारी जिंदगी एग्जाम है। एग्जाम कोई खास दिनों के लिए नहीं होते, हमारी जिंदगी का हर दिन एग्जाम, हमारी पूरी जिंदगी एग्जाम, बात समझ आ रही है। तो जब आप जिंदगी के हर दिन को एग्जाम की तरह लोगे तो ये जो साहब हाई स्कूल के एग्जाम, 12th के एग्जाम, BA के एग्जाम, ये एग्जाम आपको बहुत आसान लगेंगे। अपने माइंड को एकदम पावरफुल बनाओ, ये सोचो कि मैं हर काम कर सकती हूं। जितना आप अपनी सोच को बड़ा रखोगे, जितनी आप अपनी सोच को स्ट्रांग बनाओगी, उतना यकीन मानो आप कामयाबी के लेवल पर चली जाओगी। और जितना आप सोच को छोटा बनाओगी, ये सोच बना लोगी आप कि आप सिर्फ इतना कर सकती हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका माइंड उसी तरह से सेट हो जाएगा, फिर आप उससे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि एक आदमी अगर ये सोच ले कि मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता, यार गाड़ी मैं चला ही नहीं सकता, आपने कितने लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो गाड़ी चला ही नहीं पाते हैं क्योंकि कोशिश करते हैं, बहुत सीखते हैं लेकिन वो परफेक्ट ड्राइविंग कर ही नहीं पाते, परफेक्ट राइडिंग कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि मैं ड्राइविंग और राइडिंग कर ही नहीं सकता, भाई ये मेरे बस की बात नहीं। तो उनके माइंड ने उस चीज को ले लिया और फिर पूरी बॉडी पर उस चीज का असर पड़ता है। और एक आदमी जो जानता कम है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसके पास बहुत है, वो कहता है मैं ये भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। आपने सुना होगा वो मुहावरा भी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, दुनिया के अंदर हर काम हम कर सकते हैं। असल में हमने अपनी सोच को छोटा बना लिया है, इसीलिए मेरे अजीज बहनों अपनी सोच को स्ट्रांग बनाओ, अपनी सोच को मजबूत बनाओ। इस्लाम ने यह कहा कि देखो अल्लाह पर तवक्कुल रखो और अपनी सोच को बड़ा बनाओ, कोशिश करो। खैर तो ये बात तो मैंने उसे एग्जाम के ऊपर आप लोगों को बताई। तो मैं दूसरी हदीस क्या बता रहा था, अज़ुल्मु ज़ुलुमात, के जुल्म आखरत के दिन बहुत सारे अंधेरों की शक्ल में होगा। एक हदीस और है, ला यदखुलुल जन्नता क़ातिउन, لا يدخل الجنة قاطع, इस हदीस का तर्जुमा है कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, रिश्तेदारी में तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस हदीस का
मतलब क्या है इस हदीस का? मतलब ये है कि आपका कोई रिश्तेदार है और उसने आपसे रिश्तेदारी खत्म कर दी। मान लीजिए कोई बात हुई, कोई भी बात हो सकती है, खाने पीने की बात भी हो सकती है, लेन देन की बात भी हो सकती है, शादी ब्याह का मसला भी हो सकता है, कोई भी आपके रिश्तेदार से कोई अनबन हुई और उसने आपसे रिश्तेदारी को तोड़ दिया, या आपने किसी से रिश्तेदारी को खत्म कर लिया। और रिश्तेदारी खत्म करने का मतलब क्या है कि ना तो अब आप उसके, आपने बोला कि भैया अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, ना हम तुम्हारे आएंगे, ना तुम्हारे आना, कोई हमारा तुमसे लेना देना नहीं। अब सालों गुजर गए, ना आप उससे बात करते हो, ना उसके यहाँ कभी जाते हो, और कभी सामना हो जाए तो कोई सलाम कलाम भी नहीं हो। तो ये है रिश्तेदारी को तोड़ना। और हदीस शरीफ में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काति'उन, के रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होता। अब बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो रिश्तेदारी को रखते ही नहीं है, अब क्या करें? तो कोई अगर रिश्तेदारी नहीं रखना चाह रहा है तो वो उसका मामला है, हमें अपनी तरफ से रिश्तेदारी को खत्म नहीं करना। अच्छा, अगर सामने वाला रिश्तेदारी ना रखे तो हम क्या करें? भाई हमें अपने दिल को साफ रखना है कि भाई हमारी तो रिश्तेदारी आपसे जुड़ी रहेगी, हम रिश्तेदारी को खत्म करने वाले नहीं। अब रिश्तेदारी को जोड़ने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसके अंदर घुसे। रिश्तेदारी को जोड़ने का मतलब ये है कि जब कोई बीमार पड़ जाए रिश्तेदार तो उसको देखने चले जाओ, उसकी खैरियत ले लो। जब उसके ऊपर ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो उसकी मदद कर दो। जब वो कभी सामने आ जाए तो उसको सलाम कर लो, खैरियत ले लो। अच्छा, आप कर रहे हो रिश्तेदारी को जोड़ने वाले काम, लेकिन सामने वाला रिश्तेदारी को तोड़ना चाह रहा है, तब क्या करें? तो भाई ये उसका मामला है। वो रिश्तेदार जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा वो इस वईद में दाखिल होगा, और जो रिश्तेदारी को नहीं तोड़ेगा उसको कोई मसला नहीं। तो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं। रिश्तेदारी को तोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, रिश्तेदारी को तोड़ना ये हराम, रिश्तेदारी को तोड़ना ये नाजायज है। एक जगह मैं गया था तो वहां इसीलिए झगड़ा चल रहा था रिश्तेदारों के बीच में कि शादी का कार्ड जो है वो सबसे आखिर में हमारे आया है। अरे हम तो तुम्हारे रिश्तेदार था, रिश्तेदार थे, तुम हमें भूल गई? शादी का कार्ड हमारे यहाँ लास्ट में आया है। अब मनाई मुनी चल रही है, कह रहे बाजी वो बात ये थी, असल में याद नहीं रहा, माइंड से निकल गया, स्लिप हो गया, भूल हो गई, आइंदा नहीं होगा। कि नहीं, आपने तो साहब हमें सबसे आखिर में कार्ड दिया, बताओ कितनी गलत बात है। अब इसी वजह से रिश्तेदारी में ना इत्तेफाकी है, बात नहीं बन रही तो उसने कहा कि जाओ चलो कोई बात नहीं है, खत्म है, आज से हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, और रिश्तेदारी टूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काति'उन, ये रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसीलिए कोई रिश्तेदार अगर हमारा खराब है तो उसे खराब रहना दो, हमें खराब नहीं। बात समझ आ रही है? हमें बुरा नहीं होना, वो कितना ही बुरा ठीक, वो कितना ही खराब ठीक, लेकिन हमें खराब नहीं। कोई रिश्तेदारी तोड़ता है तो तोड़ने दो, हमें अपनी रिश्तेदारी को बनाए रखना है। और रिश्तेदारी बनाने का मतलब मैंने अभी क्या बताया, रिश्तेदारी बनाने का मतलब ये है कि जब कोई सामने आ जाए तो सलाम कराम कर लो। भाई मान लीजिए कोई खातून आपसे रिश्तेदारी खत्म कर ली, उसने रिश्तेदार थी वो आपकी, अब वो सामने आ गई तो आपने सलाम कर लिया, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, बस बहुत है। कभी वो बीमार हो गई तो देखने चली जाओ, कभी उसके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी तो उसकी मुसीबत में उसका साथ दे दो, बस बहुत है। ये हरगिज मतलब नहीं है रिश्तेदारी को जोड़ने का। होता है क्या है कि जब रिश्तेदारियां बनी हुई होती हैं तो खूब घुसा जाता है, और जब रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं तो बिल्कुल दूर हो लिया जाता है। दोनों ही गलत है, ना बहुत किसी के साथ घुसो और ना एकदम से बहुत दूर हो जाओ, रिश्तेदारी को बनाए रखना। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काति'उन, कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने आज हदीसें पढ़ाई हैं ये हदीसें आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल मुझसे मालूम कर लें, इंशाल्लाह ये हदीसें आप लोगों से मैं, आज क्या दिन है, जुमेरात है, शनिचर में मैं आप लोगों से ये हदीसें सुनूंगा, पांचों की पांचों हदीसें मैं आप लोगों से सुनूंगा। किसी का कोई सवाल है तो मालूम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली और दूसरी हदीस नहीं पढ़ी हूँ, और तीसरी, पहली दूसरी हदीस नहीं पढ़ी, चलो
आज मिल जाएंगी आपको। जी नहीं, उस दिन मैं क्लास नहीं आई थी। अच्छा चलो, पहली और दूसरी बता रहे, मैं लिख मैं पांचों की पांचों हदीसें इंशाल्लाह ग्रुप में पढ़वा दूंगी, ठीक है। और तीसरी का सिर्फ माना लिखू बस। क्या लिखा था बताओ मुझे, ग्रुप ग्रुप मेरे पास सिर्फ तीसरी जो तमाम अमाल कारो मदार नियत पे होती है। मैं आई ना क्लास में तो यही आप बता रहे थे, मैं यही लिख रही, इसका हदीस नहीं पता। आवाज नहीं, बोलिए। हाँ जी बोलिए। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? तो सब बता दें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, उम्र नाम कैसा है? माय डॉटर का नाम उम्र है। सही नाम रख सकते हैं। और उसमें पता पहले एमएन लगा था, मंसूरी है ना, तो वो कहने लगी मम्मा मंसूरी नहीं लगाओ तो कुछ और लगाओ, तो हमने वो कुरान लगाया उसका ना, अभी जब एडमिशन कराया उम्र कुरान जी। तो सर कैसा है, सही है? रख सकते हैं, उम्रा नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रखा है उम्रा हुरैन है बेटी का नाम, 7 इयर्स की बेटी है भाई। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसके पीछे उम्रा हुरैन लगा है ना, हुरैन जी, हुरैन लगा है उसके पीछे, मतलब सरनेम हुरैन उम्रा जी, उम्रा हुरैन। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक सर। सर हमने भी आदेश नहीं लिख पाए कोई भी, मतलब पढ़े सारे लेकिन लिख नहीं पाए हमने। चलो तो जिन ऐसा है, अभी ये जो ग्रुप बना हुआ है तो इसमें पांचों हदीसें किसको याद है वो हदीसें सेंड कर दें ग्रुप में, ठीक है, वरना मैं इंशाल्लाह सेंड लिख लूंगी। ठीक ठीक शुक्रिया। जी बोलिए। मेरे पास नहीं है। किसके पास लिखी है? आपके पास लिखी हुई है तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सारी बना है क्या? मुझे तीन आज की, तीन आज की हो गई, दो पिछली, पांच हो गई। ग्रुप में खुद नहीं, ग्रुप में मैं खुद नहीं हूँ जी। ग्रुप में मैं नहीं हूँ, मेरे पास ग्रुप नहीं है आपके। अरे मेरे पास ग्रुप नहीं है, जिस ग्रुप में ये लिंक शेयर किया। अच्छा ग्रुप नहीं है, अच्छा ठीक है, ग्रुप बनवा देंगे इंशाल्लाह सबका, ठीक है जी। हाँ आप लोगों का एक ग्रुप बनवा देंगे जी। नमाज में बार बार छींक आए तो नमाज नहीं, नहीं नमाज नहीं खत्म होगी, बार बार छींक आ रही है तो आने दीजिए। अब छींक हमारे बस में थोड़ी है। नहीं मतलब आप बोले थे ना कि नमाज में थोड़ा सा खुजली भी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, वो जानबूझ के नहीं करना चाहिए, मतलब मिला वजह यूं कर रहे हैं ये गलत है। अब छींक हमारे बस में थोड़ी ना है, तो छींक सकते हैं, छींक आ रही है तो छींक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब वजू करती हूँ ना तब मुझे बहुत छींक एलर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं, जब वजू करती हूँ तब छींक आने लगता है ना बहुत जी। ठीक है इंशाल्लाह, अगली जो क्लास है वो आप लोगों की शनिचर में होगी, हफ्ते में तीन क्लास हुआ करेगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती सर। वालेकुम सलाम जी। जी वो मेरी बेटी है 7 ईयर की, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, सारे वीडियोस देखती है सुनती है और आपसे बात करना चाहती है। लाइए कराइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैमरा ऑन कर लो, 7 साल की हो आप तो। हाँ अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है? आयत फातिमा। फातिमा नाम है आपका? फातिमा नाम है आपका? बोलिए जी। अच्छा जी, अच्छा फातिमा नाम है आपका, हमें कब से जानती हैं आप? बोलिए।
हमसे बात करना चाहती थी आप? अच्छा, तो मिलने आ जाएं आपसे हम? जी जरूर। अच्छा, क्या पढ़ती हैं? कौन से क्लास में पढ़ती हैं? क्लास टू। क्लास टू में पढ़ती हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान पढ़ना जानती हैं? हमको आयतुल कुर्सी याद है। अच्छा, सुनाइए कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يشعر علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है फातिमा, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, आप हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हो, है ना, और अल्लाह ताला आपको खूब इबादत करने वाला और खूब कामयाब बनाए। मेरी दुआएं आपके लिए। और कोई बात कहना चाहती हैं आप? मेरी आंखों के लिए दुआ करिएगा, मेरी आंखों की सर्जरी होनी है। अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। चलिए खैर, आप लोगों की क्लास जो है वो इंशाल्लाह सैटरडे में होगी। दुआओं की गुजारिश है। Vamos.